क्लास सिक्स वंस अगेन वेलकम यू बेटे। इन आवर लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 5 पोयम वोकेशन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। इसके हमने जो बुक वर्क था वो भी डिस्कस कर चुके हैं, इसके एमसीक्यूज भी हम लोगों ने कर लिया है और इसके क्वेश्चन आंसर भी हम लोग कर चुके हैं। अब इसका जो वर्क है डिस्कस इन पेयर्स, इसका टर्न है, ये हमें करना है। डिस्कस इन पेयर्स, देयर आर ए लॉट ऑफ थिंग्स विच चिल्ड्रन डिसलाइक, मोनोटोनी ऑफ स्टडीज, डिसिप्लिन एंड रिजिड लाइफ एट्सेट्रा। डिस्कस विद योर पार्टनर एंड मेक अ लिस्ट ऑफ 5 थिंग्स अबाउट योर लाइफ दैट यू लाइक एंड 5 दैट यू डिसलाइक। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें जीवन में व्यक्तिगत रूप से कुछ अच्छी लगती हैं और कुछ अच्छी नहीं लगती हैं। तो कुछ इसी बात को लेकर ये क्वेश्चन कहा गया है कि आपको 5 चीज़ें ऐसी जो आपको पसंद है और 5 चीज़ें ऐसी जो आपको पसंद नहीं है, उनको नोट डाउन करना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, लेकिन आप कोशिश करें कि कुछ आप जो अच्छी लगने वाली चीज़ें हैं आपको, आप उनको ही लिखें। जैसे मैंने लिखा है 5 थिंग्स आई लाइक। फर्स्ट, माय इंडिविजुअलिटी शुड बी रेस्पेक्टेड बाय ऑल। जो मेरी पर्सनैलिटी है, इंडिविजुअलिटी, व्यक्तित्व है, शुड बी रेस्पेक्टेड बाय ऑल, वो सभी के द्वारा रेस्पेक्टेड हो। दूसरा, मुझे पसंद है रीडिंग बुक्स, फोटोग्राफी करना मुझे पसंद है, ब्यूटीफुल सीन्स ऑफ नेचर देखना मुझे पसंद है, स्पोर्ट्स मुझे पसंद है और क्लीनलीनेस मुझे पसंद है। ये चीज़ें मैंने लिखा है कुछ एज एन एग्जांपल, जो चीज़ें अक्सर सभी के द्वारा पसंद की जाती हैं। अगर आपकी कुछ अलग से हॉबीज़ हैं, आप अलग से पसंद करते हैं, तो आप उनको मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, आई राइट 5 थिंग्स आई डिसलाइक। आई शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड, यानी कि परमिशन लेना वगैरह। फेयर वेदर फ्रेंड्स, यानी कि ऐसे मित्र जो अपने काम के समय पर फ्रेंड्स बनते हैं, हमारे पास आते हैं, अपना काम निकालते हैं, फिर उसके बाद में गायब हो जाते हैं। बॉरीज, गॉसिप मंगर्स, समर सीजन्स एंड वुलगर डिस्प्ले ऑफ फैशन, दीज आर द थिंग्स विच आई डिसलाइक। तो ये तो चीज़ें हुई जो मैंने आपको लिख के बताया है, लेकिन आप प्रयास करेंगे कि अपने लेवल से आपको 5 थिंग्स जो आप पसंद करते हैं वो लिखें और जो 5 थिंग्स जो आप पसंद नहीं करते हैं वो लिखें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये है ग्रामर टाइम। यूज़ ऑफ इच, एवरी, आइदर और नाइदर, ये चीज़ हम अपनी ब्रेविया में भी हमें पढ़ने के लिए मिलेंगी, लेकिन इससे रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज है तो इसको भी कर लेते हैं। इच रेफर्स टू वन ऑफ टू और मोर थिंग्स और पीपल, द एम्फेसिस बीइंग ऑन द इंडिविजुअल एंड नॉट ऑन द ग्रुप। एवरी रेफर्स टू ऑल ऑफ ए ग्रुप और मोर देन टू टेकन सिंगली। इसको रेफर किया जाता है वन ऑफ टू, दो में से एक, और मोर थिंग्स या ज़्यादा चीज़ों के लिए और पीपल लोगों के लिए। द एम्फेसिस बींग ऑन द इंडिविजुअल एंड नॉट ऑन द ग्रुप, जो एम्फेसिस होता है, प्रभाव होता है, वो सिंगल इंडिविजुअल पर्सन पर होता है, ग्रुप पर नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम यूज़ करते हैं इच का। एवरी रेफर्स टू ऑल ऑफ ए ग्रुप, जब पूरे ग्रुप की बात की जा रही हो या दो लोगों की बात की जा रही हो, तब एवरी का यूज़ किया जाता है। आइदर मीन्स वन ऑफ टू, दो में से एक, और टू या दोनों, इच ऑफ टू, दोनों में से, दोनों, दैट इज बोथ, यानी कि दोनों ही। नाइदर इज नेगेटिव और आइदर एंड मीन्स नाइदर एंड वन नॉर द अदर। नाइदर का मीन्स होता है नेगेटिव। ऑल द फोर डिटरमाइनर्स आर इन द सिंगुलर नंबर, ये सभी के सभी जो डिटरमाइनर्स हैं, चारों जो हमने देखे हैं, इसमें इच, एवरी, आइदर और नाइदर, ये सारे के सारे ही सिंगुलर नंबर होते हैं और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब्स का ही यूज़ किया जाता है। तो एक्सरसाइज दी गई है, चूज द रिजिड राइट वर्ड्स फ्रॉम ब्रैकेट्स टू कंप्लीट इच सेंटेंस, स्पेस, वर्ड
of it is false. Word of it is false, यानी कि ग्रुप की बात की जा रही है. ग्रुप की बात की जा रही है तो एवरी यहाँ पर यूज होगा. एवरी वर्ड ऑफ इट इज फॉल्स. सेकेंड, बॉय हैज़ टू वियर हिज यूनिफॉर्म. तो बॉयज सिंगुलर है, यूज़ किया गया है. टू वियर हिज यूनिफॉर्म तो पार्टिकुलर पर्सन के लिए विशेष यूज़ किया गया है, तो इच का यूज यहाँ पर करेंगे. ऑफ द टू बॉयज वॉज फाइंड. नाइदर ऑफ द टू बॉयज निगेटिव फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है. नाइदर ऑफ द टू बॉयज, दोनों में से किसी भी बच्चे को फाइन नहीं किया गया. इट रेन एवरी डे ड्यूरिंग माई हॉलीडेज. फिफ्थ, इच नेशन मस्ट वर्क फॉर पीस. इच नेशन मस्ट वर्क फॉर पीस. फाइव बॉयज स्टूड इन इच रो. फाइव बॉयज स्टूड इन इच रो. सेवेंथ, वन ऑफ दीज चेयर्स इज ब्रोकन. इच वन ऑफ दीज चेयर इज ब्रोकन. इनमें से प्रत्येक, सभी की बात की जा रही है. एट, चार्जेस हैज बीन प्रूव्ड. नाइदर चार्ज हैज बीन प्रूव्ड, यानी कि जो भी चार्ज लगे थे नेगेटिव सेंस है, तो नाइदर चार्ज हैज बीन प्रूव्ड, कोई भी चार्ज प्रूव सिद्ध नहीं होता है या सिद्ध नहीं किया गया है. तो ये आपकी वर्कशीट हुई बेटे. ईच एवरी आइदर और नाइदर को हम डीपली डिस्कस करेंगे अपने ब्रेविया के वर्क में, आने वाला है ये पुस्तक. अभी आप अपनी जो एक्सरसाइज है इसको कंप्लीट करेंगे. इसके बाद में हमारा चैप्टर नंबर 6 है, नोएडा बॉय क्लाइंब्ड पीक. आई सजेस्ट यू ये काम कंप्लीट करने के बाद आप इसकी रीडिंग कर लें, और रीडिंग कर लेने के साथ साथ आप इसके हार्ड वर्ड भी निकाल के अपनी नोटबुक में कर लें तो और भी अच्छी बात है. नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को करेंगे, रीडिंग भी करेंगे इसकी, एक्सप्लेन भी करेंगे इसको. तब तक आप अपना वर्क करते रहें, लर्निंग करते रहें, अपनी हाफ ईयरली की जो प्रिपरेशन है उसमें कंटिन्यू लग रहे हैं. आज के लिए बेटे इतना ही. ओके एंड बाय.